निराशा का माहौल चला गया है, गया वो दिन पूरे हो गए। आशा विश्वास कर गुजरने का इरादा ये समय की नजर आ रहा है और वही वही स्थितियों को बदलता है, वही परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और आज मैं जैसे ही यहां एंटर हुआ सबने मुझे एक ही रिपोर्ट किया, साहब क्या एनर्जी है सब इस कार्यक्रम में। ये विज्ञान भवन को पहली बार भरा नहीं है लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है। और ये सभागृह में भले एनर्जी होगी लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिबिंब है, यहां पर उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है यहां पर। और उस अर्थ में इसका अपना एक महत्व है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है उसके मूल में कुछ नया करने का इरादा होता है, एडवेंचरस नेचर होता है, हर चीज की गहराई में जाने का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, उसके अंदर एक संवेदना होती है। और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था, वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई, एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहाँ रखा होगा वहां? मैंने पूछा, बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती टूटती है, उसको ले जाना है तो मेडिकल सर्विसेज के लोग आए तब तक क्या करें? तो उन्हें एक हार्डबोर्ड पर एक सामान्य चीज बनाई है, उसके पैर के नीचे लगा दो, पट्टी कैसे बांध दो सर उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक कि एक्सीडेंट होता है बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाते ही दो हड्डियां और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या ना दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें तो लगेगा यार भगवान ने जो बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा, बेचारा उसे जूझेगा या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया वो नहीं किया दिखना नहीं किया, खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा, समस्या के वैसे वैसे रह जाएगी, समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान है, मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो वेस्ट जाता है, बर्बाद हो रहा है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं
क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए। हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं, इतना वेस्टेज जा रहा है। हमारे फल फूल सब्जी, फल पैदा करने वाला किसान पहाड़ियों में रहता है, शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है। हम वो क्या टेक्नोलॉजी दे, क्या व्यवस्था दे आधुनिक। मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था। मैंने कहा आप इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पेप्सी और कोला और न जाने क्या क्या है, मैं तो नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्यों ना आप 2% 5% नेचुरल फ्रूट जूस कंपल्सरी उसका हिस्सा बना दे। हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावार करता है अपने आप बिक जाएगी। अगर इस पर कोई सोचे, आप देखिए आज हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने फार्मास्यूटिकल के द्वारा, हमारे ही लोगों ने वैक्सीन में काम किया। आज दुनिया के अधिकतम देशों में अधिकतम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता, बालकों को अगर वैक्सीन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है। और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमारी मांग बहुत है, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले। लोग अपना डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने जो भारत के लोगों ने जो वैक्सीन की दिशा में कितने करोड़ों करोड़ों बालकों की जिंदगी बच रही है। जिसने लैब में बैठकर के काम किया होगा, जिसने कंसेप्ट सोचा होगा, उसकी तो उस समय पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानवता की सेवा की। हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिसके कारण हमारे यहां, अब जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी व्यवस्थाएं विकसित की है, क्योंकि प्याज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे चले जाते हैं तो सरकारों का सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन क्यों क्यों तो उसको लंबे समय रहता नहीं, खराब हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हुआ तो भी किसान मरता है, उत्पादन कम हुआ, लेकिन उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं अगर विकसित होती है, एटॉमिक एनर्जी वाले इसमें काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है। क्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान ऐसी चीजों में जाएं? आईटी के दायरे से बाहर निकल करके हम और ऐसे छोटे छोटे पुर्जे, अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।